सो हे गाइस व्हाट्सएप। सो दोस्तों वन प्लस 9 का लॉन्च इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सामने आ चुका है एंड आप बोल सकते हो इट्स अराउंड द कॉर्नर। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है कि जब डिवाइस लॉन्च होने को सामने आ जाता है सो यहाँ पे इसके लीक्स तो सामने आ ही जाते हैं। सो गाइस इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि आपको इसमें देखने को मिलेगा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन एंड विद दिस हायर रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन साथ में आपको दिया जाएगा IP68 का वाटर प्रूफ वाला यहाँ पे रेटिंग। सो गाइस काफ़ी सारे डिटेल सामने आए हैं इसी वन प्लस 9 से रिलेटेड जो कि आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो गाइस वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। अगर आपको वन प्लस 9 डिवाइस में इंटरेस्ट है एंड आप इन फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो वन प्लस का कोई डिवाइस लेना जो कि हो सकता है वन प्लस 9, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ गाइस एंड में कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो आइए गाइस फटाफट शुरू करते हैं इसी वन प्लस 9 डिवाइस के बारे में बात करना थोड़ा डिटेल्स में। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन देखने को मिल जाता है, साथ ही 6.5 इंच का ये डिस्प्ले होने वाला है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन भी होगा एंड हाँ गाइस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। सो उसकी वजह से यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आना तो यहाँ पे पक्का है ही गाइस। सो डिस्प्ले क्वालिटी में नो डाउट जैसा कि मैंने बताया 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा, सो नो डाउट डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होने वाला है इस बार का वन प्लस 9 का। यहाँ पे वन प्लस 8 और 8 प्रो से तो काफ़ी होने वाला है नो डाउट। यहां पे आगे बढ़ते हैं बात करते हैं फोन के डिजाइन के बारे में। सो गाइस डिजाइन के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपको पता है OnePlus का टिपिकल डिजाइन कैसा होता है। यहां पे आपको ग्लास वाली बॉडी देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपको लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी होंगे और यहां पे IP68 का वाटरप्रूफ का रेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारा कुछ होने वाला ओवरऑल इसके डिजाइन एंड डिस्प्ले में। सो गाइस आगे बढ़ते हैं बात करते हैं फोन के प्रोसेसर के बारे में। सो गाइस मैं आपको यहां ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूं, इट्स क्लियर लाइक वाटर कि आपको उसमें पता है स्नैपड्रैगन का 875 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहां पे जो iPhone 12 सीरीज में A14 बायोनिक चिप है उसका अंततः स्कोर कुछ 5,64,000 के आसपास आता है। सो यहां पे अगर आप जानोगे 875 का यहां पे अंततः स्कोर तो वो करीबन आता 8,50,000 के आसपास। सो गाइस अब यहां से आप समझ लो इसका परफॉर्मेंस किस लेवल तक का होने वाला है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे पोस्ट बताऊंगा तो मैं आपको यहाँ पे 865 से 25% यहाँ पे ज्यादा फास्टर होने वाला है। साथ ही गाइस इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 8GB 128GB और 12GB 256GB वाला रैम वेरिएंट, और साथ ही गाइस ये आने वाला है लेटेस्ट ऑक्सीजन OS के ऊपर जो कि होगा बेस्ड एंड्रॉइड 11 के साथ में। सो गाइस कैमरास के बारे में बात करते तो गाइस स्टिल नाउ यहाँ पे कुछ ज्यादा कन्फर्मेशन तो नहीं आई कैमरा डिपार्टमेंट में, लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। हो सकता है ट्रिपल कैमरा सेटअप में आए, अगर ट्रिपल कैमरा सेटअप में आते तो यहाँ पे आपको 64+16+2 MP का सेंसर देखने को मिल सकता है, अगर नहीं तो यहाँ पे एडिशनल 5 MP का डेप्थ सेंसर ऐड होगा और वहाँ पे आपको मोनोक्रोम सेंसर दिया जा सकता है। सेल्फी के बारे में बात करें तो किसी सिंगल पंचुअल कैमरा के साथ में आने वाला तो वहाँ पे आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा इसी वन प्लस 9 डिवाइस में। सो गाइस लास्टली बात करते हैं फोन के बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में। गाइस यहाँ पे आपको पता है 4500 mAh की बैटरी विद 65W का फास्ट चार्जर वायर्ड और यहाँ पे वायरलेस 40W का देखने को मिल जाएगा, साथ ही टाइप सी का पोर्ट एंड नो 3.5 हेडफोन जैक आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा आपको। सो जैसा कि आपको पता है वन प्लस डिवाइस में आपको ऐसे ही देखने को मिल जाता है। सो बस गाइस ये देखो इसके एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया और यहाँ पे ये सारा कुछ आपको वन प्लस 9 डिवाइस में देखने को मिल सकता है। अब रही बात फोन के प्राइसिंग के बारे में, सो गाइस इसका जो इनिशियल रैम वेरिएंट होने वाला है 8GB 128GB इसका प्राइस अराउंड आपको 45,000-50,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। एंड रही बात फोन के लॉन्च डेट के बारे में, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स ऐसा बताया जा रहा है कि ये लॉन्च हो सकता है इन द मिडिल ऑफ मार्च ऑफ ईयर 2021। सो यहाँ पे ये मिडिल ऑफ द मार्च में लॉन्च हो सकता है ईयर 2021 का। सो बस गाइस आज की इस वीडियो में बस इतने। अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कॉन्टेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए रेगुलरली अपलोड करता हूँ। सो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।